जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए GKGS जनरल हिंदी के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहला विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, वास्तविक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सच, झूठ, अवास्तविक, अनिश्चित। वास्तविक का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा अवास्तविक। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्वण में कौन सा उपसर्ग है? मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग का जो आपका शब्द होगा वो उपसर्ग होगा, लास्ट वाला जो शब्द होगा वो प्रत्यय होगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं। तो निर्वण में कौन सा उपसर्ग है बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नियोग में कौन सा समास है? नियोग, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। नियोग में कौन सा समास है जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। पुनर्विवाह का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्विवाह का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? दीर्घायु, चिरंजीवी, बहुसंख्यक, जीवित। अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन जो ए है आपका दीर्घायु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? आत्मा, महाप्राण, अल्पप्राण, निष्प्राण। प्राण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? तो प्राण का विपरीत अर्थक शब्द होता है निष्प्राण। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी। पुर्तगाली भाषा का शब्द, ऑप्शन जो ए है आपका पिस्तौल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी? सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी, ऑप्शन जो बी है आपका सजावट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेब में मिठास है, इस वाक्य में मिठास शब्द क्या है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक। सेब में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है? जब आप सेब खाते हैं तो जब उसका जो मीठापन होता है तो आप उसका अनुभव करते हैं सेब का, मतलब अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ सेब बहुत ही अच्छा है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? गुणवाचक, तुलनात्मक, सार्वनामिक, प्रविशेषण, बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो बी है आपका तुलनात्मक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी। जवाहर किस भाषा का शब्द है? जवाहर जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्धरण लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा? उद्धरण लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन जो ए है आपका उल्लंघन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, प्रणार्थक, बताइए क्या होगा आंसर? निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया होगा अकर्मक क्रिया। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है, करण, अपादान, संबंध, अधिकरण। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है, कौन सी? ऑप्शन जो बी है आपका अपादान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्यायवाची शब्द है? जनार्दन, अपंगा या फिर मुकुंद, अर्णव, बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका अर्णव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा? किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? ऑप्शन जो बी है आपका या वा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? बचपन, अपनापन, जलमय, लड़कपन।
मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट वाला शब्द पन जिसमें निकल, जैसे कि बचपन, पन इसमें पन निकल रहा है, देखिए पन है इसमें, अपनापन इसमें भी पन है, इसमें देखिए लड़कपन इसमें भी पन है, लेकिन इसमें नहीं है जलमय में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? जल्दी से आंसर दीजिए। उपयोग, उपयोगी, अनुपयोग, प्रयोग, बताइए क्या आंसर होगा। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? तो भैया मेरे अनुपयोगी ये उपयोगी शब्द का विलोम है, बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? बताइए, अव्यय भाव, कर्मधार, दिग, द्वंद। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तो महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास होगा कर्मधार समास। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, अव्यय भाव, दिगु, द्वंद्व समास। गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तो गंगा जल जो है आपका ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? संतोष का, सॉरी, संतोष होना, ईर्ष्या होना, कलेजे में दर्द होना, मर जाना। कलेजा ठंडा होना ये पूछ रहा है, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जाहिर सी बात है संतोष होना, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सब धन 22 पसेरी लोकतृप्ति का सही अर्थ क्या होगा? सब धन 22 पसेरी लोकतृप्ति का सही अर्थ क्या होगा? अच्छा बुरा सबको समान समझना, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 से 30 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, ऑप्शन जो बी है आपका, रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, सुंदर नहीं होगा अच्छे होगा, ठीक है, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, इसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन जो ए है आपका, वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया, भरी होगा कि भरा होगा, पहले ये बताइए आप हमें। ऑप्शन जो ए है आपका, मधु ने मिठास भरा गीत गाया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? निराला पंत, महादेवी वर्मा प्रसाद। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। अनामिका जो है ये निराला की काव्य संग्रह है, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, कमलेश्वर। चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा जो है ये भगवती चरण वर्मा की रचना है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? ऑप्शन सी जो है आपका, प्राचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शोक विकल सब रोवही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहीं बिलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारहीं बारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, भक्ति रस, करुण रस, वीर रस। ऑप्शन सी जो है आपका करुण रस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कुंदक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिम डारो फोरी, सकौ मेरु मूसक जिम तोरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, शांत रस, अद्भुत रस या फिर रौद्र रस। ऑप्शन जो ए है आपका, वीर रस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खद्दर कुर्ता भगभको नेता जैसी चाल, यही बालक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, करुण रस, हास्य रस, भयानक रस। ऑप्शन सी जो है आपका, हास्य रस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौन सी वर्तनी सबसे शुद्ध होगी, बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? 372, 343, 243, 350, बताइए क्या आंसर होगा।
ऑप्शन बी जो है आपका 343 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी, ये सभी आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है व्यय, धनिक, मितव्ययी, अव्ययी, बताइए क्या आंसर होगा? धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, अपव्ययी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसको क्या बोलते हैं? अधो हस्ताक्षरकर्ता, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बरसात बिल्कुल ना होना, ये क्या कहलाता है? बरसात बिल्कुल ना होना, तो भैया मेरे बरसात बिल्कुल ना होना इसका अर्थ होता है अनावृष्टि। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए, तो भैया मैं जब आप इसको तोड़ोगे ना ऐसे ही बनेगा ना संधि विच्छेद इसका, उत्तोदन ज्वल। तो उज्जल का उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में कर्मधार समास नहीं है? भारतवासी, परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर, किस शब्द में कर्मधार समास नहीं है? ऑप्शन जो ए है आपका भारतवासी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोहर में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, विसर्ग या फिर दीर्घ? मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर में आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? समधन तोष, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि संतोष में कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान में रखना है यहां पर हो जाएगी व्यंजन संधि। संतोष का संतोष की संधि विच्छेद होगी, समधन तोष ठीक है, और यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? प्रत्येक जो है किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, बहुप्रिय, अव्ययीभाव, द्विगु, प्रतिधन एक, बताइए जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी जो है आपका अव्ययीभाव समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज, त्रिभुज मैंने आपको बताया था संख्यावाचक, वहां पर कौन सा समास होगा? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो ए है आपका द्विगु समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? सूर्य, पक्षी, कीट या फिर घोड़ा? पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? ऑप्शन जो डी है आपका घोड़ा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहदर्थ, बताइए क्या आंसर होगा? किस बौद्ध संत के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? उपगुप्त, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? बौद्धों द्वारा, जैनियों द्वारा, हिंदुओं द्वारा, सिखों द्वारा, बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो बी है आपका जैनियों द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव, कल्हण, कालिदास, राजा राव, बताइए क्या आंसर होगा? गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी, ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। ऑप्शन जो डी है आपका साबरमती आश्रम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे? भुलाभाई देसाई, अशरफ अली, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन जो ए है आपका भुलाभाई देसाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सी वाला जो ऑप्शन है आपका लाहौर अधिवेशन,
1929 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है, ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी जो है आपका शुक्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है? मंगल, नेपच्यून, बुध, प्लूटो, बताइए क्या आंसर होगा? किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेट्रोलॉजी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन जो बी है आपका असम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? सभी बच्चे आंसर दीजिए। कोंकण तट, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? बताइए क्या आंसर होगा? सभी बच्चे आंसर बताएं, किस प्रजाति की वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? ऑप्शन सी जो है आपका यूकेलिप्टस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें, सहायक नदी, मुख्य नदी, उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही है? तो भैया मेरे ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मानस, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? पी वाला जो ऑप्शन है आपका आवश्यक आदानों की उपलब्धता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ये सभी, कहने का मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान किस तिथि को पूर्णता बनकर तैयार हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान किस तिथि को पूर्णता बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका मूल संविधान के एक भाग के रूप में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 39, बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका अनुच्छेद 37 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन जो ए है आपका लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, गौतम, चार्वाक, जैमिनी, बताइए क्या आंसर होगा? सभी बच्चे आंसर बताएं जल्दी से जल्दी। ऑप्शन जो ए है आपका कपिल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? ऑप्शन जो ए है आपका घरेलू खपत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है?
किस वस्तु की कीमांक जो है वो लोचदार है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी जो है आपका चावल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, बजटीय नीति, व्यापार नीति, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका मौद्रिक नीति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? करेंसी नोट, सिक्के, चेक या फिर ब्रांड, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका चेक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है किससे? गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध ये किससे है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम है, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है, बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन जो डी है आपका बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तरलता अधिमान क्या होता है? तरलता अधिमान की बात हो रही है यहाँ पे, तो तरलता अधिमान क्या होता है? बैंक जमा रखने की इच्छा, बैंक जमा रखने की इच्छा, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रति सेकेंड एक खराब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीटीपी को विस्तार करें, डीटीपी को विस्तार करें, डीटीपी को विस्तार करना है, तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? गुट निरपेक्षता से तात्पर्य की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन जो बी है आपका शक्ति पुंजों में तटस्थता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? भारत राष्ट्र संघ का सदस्य 1945, 1947, 1950 या फिर 1954? भारत राष्ट्र संघ का सदस्य वर्ष 1945 में बना था, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? 1 सितंबर, 14 सितंबर, 21 सितंबर, 30 सितंबर, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका 21 सितंबर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी जो है आपका विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों को समाप्ति, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट, सॉरी बी वाला जो ऑप्शन होगा आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र का नोबल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अर्थशास्त्र का नोबल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन जो बी है आपका स्वीडिश सेंट्रल बैंक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से था? भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, ओडिसी, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका ओडिसी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।